हाँ यार, सच में बोलूँ तो ये मेरा पहला व्लॉग है एक्चुअली क्राउडेड एरिया में। थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ वीडियो निकालने को और थोड़ा बात करने को भी। सो अभी देखते हैं कैसा होता है, वीडियो निकाल पाता हूँ या फिर शर्म के मारे बंद कर देता हूँ, देखते हैं। अभी मैं तो वैसे तो पहुँच चुका हूँ, ये अपने पीछे है अंधेरी का गुंदौली मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ही अपना बस आएगा। तो आज मैं गया था नवापुर बीच, जहाँ जाके मुझे गोवा वाली फीलिंग आई और मैंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और आ गया अपने घर और गोवा की टिकट बुक कर ली। और भाई लोगों, फिर कैसा लगा आपका इंट्रो? तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, अभी जा रहा हूँ मैं बोर्डिंग पॉइंट, पास में ही है मेरे घर से बोर्डिंग पॉइंट, अंधेरी बिस्तरी है बोर्डिंग पॉइंट का नाम। तो अभी बज चुके कुछ अराउंड 5:26, अगर आपको दिख रहा है तो ये दिख रहा रहेगा। तो गाइस, अगर आपको अंधेरी से बस पकड़ना है तो आपको ये ब्रिज दिखेगा नया वाला, ये बेसिकली पीछे मेरे रिजेंसी होटल है ये वाला, तो आप यहाँ से आ सकते हो। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पे बस रुकेगा। पास में अभी नया मेट्रो स्टेशन ओपन हुआ है गुंदौली करके, तो हम लोग जाते हैं उधर। अगर आपको अंधेरी से बोर्डिंग करना है तो गुंदौली मेट्रो स्टेशन आपको ईजी गिरेगा। गुंदौली मेट्रो स्टेशन उतर के आपको सिर्फ बिस्तरी पूछना है तो वो लोग बिस्तरी आपको छोड़ देंगे, जो कि राइट हैंड साइड में चर्चगेट की तरफ पड़ता है अपने को। ओके, तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बोर्डिंग पॉइंट पे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, पीछे वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं रह जाए गुंदौली मेट्रो स्टेशन। और अगर आप जल्दी पहुँचते हो और आपको वॉशरूम जाना है तो मेरे पीछे वॉशरूम भी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर सीनियर सिटीजन। और एक जो हॉर्न बजा रहा है, क्या मालूम। ठीक है, फिर हम लोग करते स्टार्ट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा में, उतर गया हूँ पेंडे स्टॉप पे। तो अभी मैं रुक रहा हूँ कदम्बा के लिए, कदम्बा बस, जो कि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट का। जैसे महाराष्ट्र में एसटी है, वैसे ही वहाँ गोवा में कदम्बा है अपने पास। तो रुकते हैं कदम्बा के लिए। अभी इधर लोकल शॉप था, वो लोग बोले कि 7:20 का बस है जो मुझे केरी छोड़ेगा, केरी नहीं हरमपुर छोड़ेगा या फिर हरमल छोड़ेगा। तो फिर देखते हैं हरमल से अपने को बस मिलता है या कैसे होता है। लेट्स एक्सप्लोर ब्रो। Guys, we are finally reach our destination. भाई लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा मामा मुझे लेने आया था, तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर। तो अभी देखते हैं कैसा होता है गोवा का ट्रिप। और तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेरे मामा के घर। तो ये है एंट्रेंस। जब मैं बचपन में छोटा था ना, बचपन में सब लोग छोटे ही रहते हैं, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती थी। अगर आप अभी भी देखोगे तो अभी भी पुरानी ज़माने की गाड़ी है, देखो ये।
तब दो काइनेटिक थी, दो वेस्पा थी, फिर यमहा की गाड़ी थी। ऐसे ही मतलब जो गोवा में रहते हैं ना उनको बहुत टू व्हीलर का शौक है, तो आपको हर घर में तीन चार गाड़ी तो मिनिमम दिखे दिखना ही दिखना है आपको। तो चलो फिर चलते हैं। और ये रामबुड़ पिकले झाड़ा खाली, यहाँ पे नीचे गिरे हुए मिलेंगे। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये दामला तो झाड़ा है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। और ये सामने है घर अपना। चलो फिर चलते हैं, एंड ऑफ द वीडियो करते हैं। थैंक यू। तो ये मामी है और ये भी मामी है।